रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नगर पालिका परिषद बछनायू में पालिका अध्यक्ष राहत हसन पर वार्ड सभासदों ने लगाया सुनवाई और पैसे के दुरुपयोग करने का आरोप। बता दें कि पालिका अध्यक्ष राहत हसन पर वार्ड सभासदों ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने तथा वार्ड सभासदों की कोई भी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। वार्ड सभासदों ने पालिका अध्यक्ष राहत हसन व अधिशासी अधिकारी विजेंद्र पाल सिंह पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग तथा मिलीभगत से पैसे गबन करने का खुलासा करते हुए तमाम आरोप लगाए हैं। बता दें कि मोहल्ला चौधरीयन वार्ड नंबर 17 से सभासद नजमा के पति भूरे ने खुलासा किया कि मेरे वार्ड में कुंदा तालाब में दो तिहाई पानी आता है। नगर पालिका ने उस पानी का अभी तक कोई सही विकल्प नहीं ढूंढा और जगह जगह छोटे छोटे तालाबों में गंदे पानी को ले जाया जा रहा है। जैसे समरसेबल लगवाकर पाइपलाइन द्वारा पॉलिटेक्निक के सामने छोटे तालाब में पानी का विकल्प लाखों रुपए की लागत से कराया है, जिसमें अभी तक भी पानी नहीं गया है, जिससे पता चलता है कि सरकारी लाखों रुपए को खर्च कर उसका कोई फायदा नहीं लिया गया। उधर वार्ड नंबर 13 से सभासद खलीफा ने बताया कि वार्ड सभासदों की कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। यदि सभासद साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर पालिका की बैठक में आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाकर रोक दिया जाता है और नगर में कोई भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जाती है। हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष राहत हसन के रिश्तेदार ठेकेदारी करके नगर पालिका में विकास कार्य के लिए आए पैसे का लाभ उठा रहे हैं और आपस में मिलीभगत कर घोटालों से बाज नहीं आ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 से सभासद ने तमाम शिकायतों का खुलासा करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी विजेंद्र पाल पर मिलीभगत करने और नगर पालिका के मेंबरों की अनदेखी कर तमाम घोटाले करने का आरोप लगाया है। आपको यह भी बता दें कि नगर बछनायू में कुंडा रोड मीट फैक्ट्री के सामने बंद है। रोड के चौड़ीकरण को गलत बता उन्होंने कहा कि जब बीच के गोले की दोनों साइड बराबर बनाई जाती हैं, तो मिल फैक्ट्री के एक साइड में 1 मीटर के और दूसरी साइड में 2 मीटर कर उससे स्थानीय लोगों को दबाया जा रहा है और मीट फैक्ट्री को नगर पालिका अध्यक्ष व कर्मचारी फायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपको हम यह भी बताते चले कि वार्ड नंबर 17 से सभासद नगमा के पति भूरे ने पालिका अध्यक्ष के परिवारी जन हाजी पर अवैध टॉयलेट और बाथरूम बनाने का आरोप लगाया है। जानकारी होने पर भी नगर पालिका ने उसको अनदेखा किया है, जिसको लेकर नगर पालिका के सभी वार्ड सभासदों में पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी विजेंद्र पाल सिंह के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला। ये कौन सी जगह है सर? कुंडा है ये। कुंडा जो तालाब होता है? जी जी, कुंडा तालाब है सर। तो ये जो समरसेबल वगैरह कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर समरसेबल का ये यहाँ को देखो, यहाँ से पानी वहाँ जा रहा है। अच्छा, ये अवैध रूप से है और यहाँ ये, और ये कनेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? लाइन किसकी है? देख लो यार, नगर पालिका की है या उसकी है? सर नगर पालिका की ये तो, सर हमें यानी कोई नॉलेज में है नहीं। अच्छा, को कोई नॉलेज में नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि यो साहब या चेयरमैन साहब। अच्छा, जगह जगह जो ये जगह जगह जो पानी का निकासी का के विकल्प ढूंढे जा रहे हैं, तो जो यहाँ से ये मेन नाला जा रहा है इस फैक्ट्री साइड में, जो फैक्ट्री में बम्बे पड़े थे जी, तो उसके बारे में क्या कहती है नगर पालिका आपसे? उसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ अभी तक? निस्तारण सर करती नहीं है किस चीज़ का? वहाँ पानी की निकासी नहीं है जो? नहीं, जो नहीं करते बिल्कुल। उसका टेंडर हुआ था या क्या हुआ था जो उसमें काम हुआ है? सर बिना टेंडर का था वो भी। अच्छा, वो भी और बिना इसकी पेमेंट कब हुई है? सर पेमेंट तो अभी पेमेंट नहीं हुई दिखती शायद, पहले निकाल ली होगी, ये दोबारा फिर टेंडर करा। अच्छा अच्छा, काम पहले हो गया। और ये सड़क के बारे में क्या जानकारी है आपको, जो साइड में माल पड़ गया? सर सड़क देख लीजिए, बीच में बिल्कुल टूटी हुई है। हाँ? और इस साइडों में एक तरफ 1 मीटर है बना रहे हैं और एक तरफ 2 मीटर बना रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्योंकि अर जो सड़क और जो साइड में बननी चाहिए तो दोनों दो दो मीटर बननी चाहिए, दोनों तरफ बराबर जी, अवैध है। हमने इसकी शिकायत DM साहब के यहाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ डाल चुकी है जी। तो वहाँ से क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? जांच आई है सर? जांच आई है, तहसीलदार साहब आए थे अब से 3 दिन पहले आए थे जी, आए थे, लेकिन वो हमें तसल्ली दे गए थे, लेकिन उसके बाद अभी तक वो भी कुछ नहीं कहा उन्होंने, कोई आश्वासन पक्का नहीं, नहीं है कुछ नहीं। अच्छा, जिससे उस कंप्लेंट कोई लाभ नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कोई कंप्लेंट का कोई लाभ नहीं हुआ। इसका रनिंग पेमेंट हो गया या रह गया होगा? सर हो गया, इसका हो गया जी, रनिंग पेमेंट कर दिया गया। अच्छा, है अब ये थोड़ा सा माल डाल के पूरी पेमेंट निकालना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा, इसकी दूरी है यहाँ से जो पाइप लाइन लेकर गए हैं जी जी, समथिंग कितनी हुई कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? कितनी होगी सर? लगभग होगी 400 से 500 मीटर, लगभग होगी 400 से 500 मीटर का ही, 400 से 500 मीटर कम से, जो जहाँ पॉलिटेक्निक के सामने नाल लेकर गए जी जी जी। और पानी आपने वहाँ देखा, गड्ढे में पानी था कुछ? सर पानी तो एक बूंद नहीं था, वहाँ जा ही नहीं सकता सर पानी। अच्छा, वहाँ जा ही नहीं सकता न जाने की वजह? क्योंकि सर न जाने की वजह ये है
कि सर यहाँ से कम वो 8 फुट ऊंचा है। अच्छा, तो वो तो कोई भी बता देगा सर जहाँ हम पानी डालना चाह रहे हैं वो नीचा होना चाहिए। अच्छा, पानी जो है नीचा होना चाहिए, जो भी वो ऊंचा है, ऊंचे में तो पानी जा ही नहीं सकता। जा ही नहीं सकता। पाइप लाइन फट गई सर, डालने से पहले दो जगह पाइप लाइन फट गई। पाइप लाइन फट चुकी जी, है जी, दो जगह। हाँ, वहाँ पानी गड्ढे में दिखाई भी नहीं दिया। नहीं सर, जाएगा ही नहीं। हाँ, एक बूंद नहीं पानी जाएगा, सिर्फ पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कौन सी जगह है आप? सर कुंडा रोड पे। पूरा एड्रेस बोलिए। कुंडा तालाब के पास है। पूरा एड्रेस बोलिए सर। बछराई हुआ है, जिला अमरोहा, तहसील धनौरा। इसका वार्ड नंबर क्या होगा सर? वार्ड नंबर 17 है। अधिशासी अधिकारी का नाम क्या? विजेंद्र पाल। विजेंद्र पाल जी। और चेयरमैन साहब का महोदय का क्या नाम है? बछराई सर। राहत हसन। राहत हसन जी। अमर साहब, ये लेटरिन अवैध रूप में गलत जगह पर बनी हुई है, इसको नाप के सही हाशिए में बना दिया जाए। तो ये नगर पालिका ने बनाई है? ये हाजी परवेज साहब ने बनाई। अच्छा, किसी जाति आदमी का काम है जी, जिसने बनाई है अपने मकान के बाहर। जी जी। अच्छा, तो ये संपत्ति जो है नगर पालिका की। हाँ, तो इसमें आप ये देखिए कि जहाँ के बीच का गोला मांगता है नाप के, वहाँ पे बननी चाहिए, अलग छोड़ के जगह, नगर पालिका की जगह छोड़ के। अच्छा, तो ये की सड़क की जगह छोड़ के। अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगे कि एक तरफ कितने मीटर और एक तरफ कितने मीटर है, क्या आपने क्या जानकारी इस बारे में? इस सड़क पे जो माल पड़ गया है दोनों तरफ बराबर पड़ना चाहिए। तो कैसे कैसे पड़ गया है? एक तरफ को ज़्यादा है, एक तरफ को थोड़ा है। तो आप जब नगर पालिका में, आपने इसके बारे में कोई आवाज़ उठाई, कुछ कहा? कहा कौन सुना है? कोई भी ना सुना। अच्छा, कोई नहीं सुनता है जी। मेंबर अधिशासी अधिकारी तो आते ही नहीं। आते ही ना। अच्छा, अधिशासी अधिकारी कितने कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं? आते ही ना है। चेयरमैन से शिकायत करी आप? हैं, चेयरमैन से शिकायत करी आपने? चेयर सबसे शिकायत हैं। अच्छा, आप कौन से वार्ड मेंबर हैं सर? वार्ड नंबर 17। पूरा एड्रेस बोलिए। वार्ड नंबर 17 बछराइयों, कुंडा रोड, मोहल्ला चौधरीयान। नाम क्या सर आपका? नाम शमशाद। और आपका, आप कौन से वार्ड से सर? मैं वार्ड नंबर 13। पूरा एड्रेस बोलिए। सेकंड जफर अली। और आप सर? सर नूर मोहम्मद, वार्ड नंबर 6 बछराइयों। तो ऐसे और मेंबरों को भी शिकायत है या आप तीन भाइयों को है? सर, कुछ कहेंगे? अच्छा, बहुत मेंबरों की शिकायत। अच्छा, नगर में विकास कार्य, सफाई कार्य के बारे में कुछ कहेंगे? कुछ नालों के अंदर भैया मेरी बात अब वो तो सामने मौजूद है। नाले के अंदर इतना कूड़ा भरा पड़ा है कि बुजली डहर के पास कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी भरता है। जब उसके बाद पानी नाले में आता, नाला सफाई नहीं होता, टूटा पड़ा सारा नाला। तो आपने कभी लिख के दिया आपको? हाँ, मैंने लिख के दिया है। मैं आपको उसकी वीडियोग्राफी करूँगा, आप उसको देखना और अपने टीवी पे चलाना उसको। ठीक है, आप उसकी जो है ना बिल्कुल वीडियो बना के उसके चैनल पे चलाओ। ये लेटरिन है, 1 2 3 4। ये कितनी लेटरें होंगी मेंबर साहब? ये हाजी परवेज। कितनी होंगी गिनती में? कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। नुकसान है जनता को, पानी दोबारा इसमें। तो ये जो सड़क बनी है जी, है ना जी, जी। तो इससे हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हो जी, लोग भी देख रहे हैं जी, कि मकान नीचे हो गए जी, हो गए, है ना। तो ये किस लिए ऊँची करके बनाई गई सर, कुछ बताइए इसके बारे में, क्या वजह थी? कुंडे का पानी बाहर को नहीं निकल रहा। अच्छा, इस वजह पीछे से पानी चढ़ाई करता है तो इनके घरों में बढ़ता है, नुकसान होता है, तो इस वजह से ये ऊंचे करके सड़क बनवाई गई। ये नाला कहाँ जा रहा है? ये नाला कुंडे में जा रहा है। ये नाला कुंडे में जा रहा है। अच्छा, तो इसीलिए ऊंची करके बनवाई गई थी, अब इन्हें भरा हुआ। तो इससे तो लोगों के घरों में पानी भरता होगा सर जी, पर बराबर पानी भरता है, है ना जी। इसमें लोगों को तो शिकायत होगी जी, बहुत भारी शिकायत। तो आपके वार्ड का मामला है ये? बहुत कहा, सबसे कहा, लेकिन किसी वार्ड नंबर क्या है ये? वार्ड नंबर 17। वार्ड नंबर 17 है जी। ठीक है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए बछरायू से शारिक चौधरी की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।